नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड में इतने सारे हिल स्टेशन है कि सैलानी हर जगह नहीं घूम पाते हैं। दिल्ली NRI हो या फिर देश के अन्य कोने से आने वाले सैलानी, वे इसी पहाड़ी सूबे के मशहूर हिल स्टेशन नैनीताल, मसूरी और कोसानी इत्यादि ही जाते हैं। लेकिन इनके अलावा भी कुछ हिल स्टेशन ऐसे भी हैं जिन्हें सीक्रेट ब्यूटी के नाम से जाना जाता है और कम ही लोग को इनके बारे में पता होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ये कौन सा हिल स्टेशन है। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको कम भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना पसंद है तो कानाताल हिल स्टेशन जाइए। गर्मियों में जहां एक तरफ नैनीताल, मसूरी और कोसियानी जैसे बेहद पॉपुलर हिल स्टेशन सैलानियों से भरे रहते हैं, वहीं यह हिडन हिल स्टेशन कम पर्यटकों से गुलजार रहता है, जिस कारण यहाँ आने वाले सैलानी यहाँ की खूबसूरती और प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद ले सकते हैं। अगर आपको प्रकृति की असली खूबसूरती देखनी है तो कानाताल हिल स्टेशन जरूर घूमें। यह हिल स्टेशन चारों तरफ से हरियाली और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य आपका मन मोह लेगा और यहाँ के मनमोहक नज़ारे आपके दिल में उतर जाएंगे। यह खूबसूरत हिल स्टेशन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। यह हिल स्टेशन मसूरी हाईवे पर मौजूद है। कानाताल हिल स्टेशन समुद्र तल से 2590 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस हिल स्टेशन में सैलानी पहाड़, घाटियां, झरने, नदियां और जंगल देख सकते हैं। अगर आप गर्मियों की छुट्टी को किसी ऐसे हिल स्टेशन में बिताना चाहते हो तो जहां शोर शराबा भी कम हो और भीड़ भाड़ भी कम हो ऐसे हिल स्टेशन में, तो ये हिल स्टेशन आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। इस हिल स्टेशन में आपको पूरे जंगल में आप 5 से 6 किलोमीटर तक ट्रैकिंग कर सकते हैं। आसपास की पहाड़ियाँ और घाटी के अद्भुत दृश्य को निहार सकते हैं और फोटोग्राफी का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ जंगल में घूमने के लिए आपको जीप सफारी भी मिल जाएगी। इस लोकेशन में आप दोस्तों के साथ कैंपिंग भी कर सकते हैं और बोनफायर का भी मजा ले सकते हैं। कैंपिंग के दौरान यहाँ आप स्टार गेजिंग नाइट का भी लुत्फ उठा सकते हैं, ताकि आपको बहुत ही मजा आ सके। दोस्तों, आज हमने जाना कम भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशन यानी कि कानाताल हिल स्टेशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।